तो गाइज मैं आपसे बहुत देर के बाद मिल रही हूँ। सुबह ना मेरी शायद आपसे 6-7 बजे के आसपास बातें हुई थी, उसके बाद से मेरी कोई बातें नहीं हुई आपसे। और अब टाइम हुआ है, 11 बज गए हैं और अभी मैं नहा करके आई हूँ। वैसे घर का सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन मतलब जो भी काम होता है वो घर का सारा काम हो गया है और अब मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी काम है मतलब पूजा करनी है पहले, मुझे पहले कान्हा जी को मतलब पूजा करनी है, भोग वगैरह लगाना है, उसके बाद मुझे खाना बनाना है। कान्हा जी को नहला दिया है, कान्हा जी बैठे हुए हैं अंदर और इंतजार कर रहे हैं हमारा। तो पहले मैं पूजा करूंगी, उसके बाद उनको भोग लाऊंगी और फिर मैं खाने की तैयारी करूंगी। तो खाने में देखती हूँ क्या बनाती हूँ। वैसे ना हल्का फुल्का ही बनाऊंगी ना, थोड़ा मतलब 2-3 दिन से सभी की तबीयत थोड़ी ऐसी ही चल रही है, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ कि लौकी की सब्जी बना लूँगी। वैसे भी हल्की रहेगी और अच्छी रहती है, तो मैंने कहा वही बनाऊँगी कि लौकी रखी हुई है, और फिर ना 2-1 दिन हो जाए तो फिर वो सूखी सी भी हो जाती है, फिर वो गलती भी नहीं है, इसलिए उसी को बना लूँगी। बहुत ही मतलब अच्छी और ताज़ा लौकी थी, तो मैंने शायद वो परसों ली थी, तो आज उसको बना लूँगी। और अभी तो पहले फ़िलहाल मैं पूजा करूँगी और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और ना धूप इतनी तेज़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है, और अनुष्का भी नहा ली है, अनुष्का नहा करके अंदर लेटी हुई है। तो पहले तो ना पूजा करने के बाद कुछ थोड़ा बहुत देखेंगे क्या खाएंगे, उसके बाद ना फिर खाना बनाएंगे। और उधर ना मैंने अपने पौधों में पानी दिया था 2-3 दिन से, क्या 4-5 दिन से मैं बहुत ज़्यादा उनकी केयर कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो आज क्या हुआ है कि आज मेरे मतलब फुलवाड़ी पे इतने सारे फूल खिले हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। और जब हमें अपनी मेहनत का फल मिलता है ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है जब हमें अपनी मेहनत का फल मिले, है ना। तो आज मैंने सुबह देखा, जब मैं उधर झाड़ू लगाने गई थी तो मैंने सोचा चलो पानी भी दे देती हूँ, तो देखा इतने सारे फूल खिल रहे थे कि देख करके मन खुश हो गया, बहुत ही खुशी मिली मुझे उनको देख करके। और अभी मैं उधर पूजा करने जाऊँगी, जब आपको भी खाऊंगी कि कितने फूल खिल रहे हैं, कम से कम 8-7 फूल तो हैं कम से कम। तो चलिए पहले पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ, कान्हा जी के दर्शन करा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि देखिए मंदिर कैसा लग रहा है, और यहाँ पर कान्हा जी भी नहा लिए हैं। और ये देखिए मैंने कर दी है पूजा, तो आप सब भी कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, पूजा हो गई है। तो मैं आपको एक बार दिखा रही थी दोबारा से कि ये देखिए कितना प्यारा लगता है मंदिर, जब ये लाइट वगैरह जलती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए मैं आ गई इधर, मैं आपको दिखा रही थी फूल की, देखिए फूल कैसे खिले हुए हैं, है ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ना अब मैंने जो इसमें इनमें पानी वगैरह दिया था ना डेली, तो देखिए मेहनत कितनी रंग लाई है। और मैं आपको दिखा रही थी कि धूप देखिए कितनी तेज़ हो रही है, कितनी तेज़ धूप हो रही है, आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि कम से कम 1 या 2 बज रहे हों। ये देखिए कितनी कड़ाके की धूप थी। और मैं आ गई हूँ अंदर, मैंने जल दे दिया है तुलसा जी और भोले बाबा को, तो मैं अंदर आ गई हूँ। और इधर मैं कर रही हूँ कान्हा जी को भोग लगाने की तैयारी। तो मैंने इधर अंगूर ले लिए हैं, मक्खन ले लिया है और लस्सी ले ली है जो साइड में रखी हुई है। तो मैं अब पहले कान्हा जी को भोग लगाऊंगी और उसके बाद फिर हम कुछ खाएंगे। तो ये गया कान्हा जी को भोग, मक्खन खिला देती हूँ और अंगूर और लस्सी। तो अब इधर उनको भोग लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ और यहाँ पर मैं अपने और अनुष्का के लिए लस्सी ले रही हूँ। ये देखिए मैंने लस्सी बना ली है दही दही की, और ठंडी ठंडी लस्सी ना दही वगैरह की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखिए, और अनुष्का के पापा जी को भी दी थी मैंने बना करके, तो उसी में से ये बची हुई है, तो 2 गिलास हो गई है, बस इतनी ही काफ़ी है ना, ज़्यादा भी नहीं पी जाएगी, फिर खाना वगैरह खाएंगे इसलिए। तो लस्सी हो गई तैयार, आप सब भी आ जाइए पीने के लिए। और ये कुछ सब्जी थी जो मैंने अभी अभी मंगाई थी, तो इसमें है फल केले, और इसमें है एक पोलिथीन में है अंगूर, और एक में है भिंडी, ये सब्जी है। तो देखिए अंगूर बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और मीठे भी थे, ये वाले अंगूर देखने से ही लग रहा था, अभी तो खाए तो नहीं थे पर लग रहा था कि हाँ अंगूर मीठे हैं। तो अब पहले ना मैं इनको फटाफट से अच्छे से हाथ मार मार के और अच्छे से धो लूँगी साफ़ करके, और फिर मैं इन्हें रख दूँगी, है ना। साथ ही साथ धो लेते हैं तो सही रहता है, फिर ना जब खाओ फिर धो, फिर खाओ फिर धो, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ये सारे अंगूर धो लिए हैं और अब मैं इसमें रख देती हूँ जिससे कि इनका पानी अच्छे से सूख जाए। तो अंगूर मेरे धुल गए हैं, अब बारी आती है भिंडी धोने की, है ना। और भिंडी तो वैसे भी आप जब बनाने लगो और फिर साथ के साथ धो, तो पता नहीं पानी से लाल लाल सी मतलब वो छोड़ देती है, इसलिए इनको तो पहले ही धो करके रखना चाहिए। वैसे मैं अभी नहीं बनाऊंगी, ना ही मैं आज इन्हें बनाऊंगी, पर ना मैं इन्हें धो करके ज़रूर रखूंगी।
तो देखिए मैं यहाँ पर बिन्नियों को हाथ मार मार के धो रही थी, और ना इनमें से ना बहुत गंदगी सी भी निकली थी। जब मैंने पानी देखा था ना तो बिल्कुल गंदा हो गया था, है ना। और साथ के साथ सब्जी वगैरह सब कुछ धो कर रख दो तो सही रहता है। तो इधर मैंने ये वाली टोकरी ले ली है और मैं इसी में इनको रख दूँगी, जिससे कि इनका पानी भी सूख जाए, क्योंकि वो स्टील वाली टोकरी जो थी जिसमें मैंने अंगूर रखे थे बहुत छोटी है ना, तो उसमें ये और वो अंगूर दोनों नहीं आएंगे, भिंडी और अंगूर, इसलिए मैंने प्लास्टिक वाली टोकरी ले ली है। और सारी ही भिंडी अच्छे से धो ली हैं और अंगूर भी, अब रखती हूँ इन केलों को फ्रिज में। तो अब इनको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ना अगर बाहर रखूँगी तो बहुत जल्दी से ख़राब भी हो जाते हैं, इसलिए। तो ये देखिए मैंने इनको भी अंदर रख दिया है ना। और इनमें रख देते हैं ना, फ्रिज में रख देते हैं तो फिर इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। तो पहले एक हाथ में फ़ोन था ना, तो दो बार मैं रख रही हूँ, पहले रख दिए हैं और अब फिर दोबारा से रख दिए हैं। तो इसको कर देती हूँ बंद, सब्जी वाला काम हो गया है ख़त्म। तो गाइज अभी मैं सो करके उठी हूँ, मतलब सोई भी नहीं थी, लेटी हुई थी एलवी वगैरह की। फिर ना उसके बाद बातें बातें की, फ़ोन वगैरह आ गए थे गांव से तो बातें की, और फिर अभी टाइम हुआ है 4 बज गए हैं, 4 बजे में 10 मिनट बाकी हैं। तो अभी ना मुझे कुछ काम करना है। काम क्या है कि ना मुझे कपड़े धोने हैं हाथ से, क्योंकि ना मशीन से धुलते हैं रोज़। तो आज ना पता नहीं मशीन में क्या हुआ है, मशीन थोड़ा ख़राब सी हो गई है। वैसे वो घूमने की सी आवाज़ तो दे रही है लेकिन घूम नहीं रहे हैं कपड़े, पता नहीं क्या हुआ है उसमें अचानक से। कल तो बिल्कुल सही थी और एकदम से ख़राब हो गई है। और ना काम इतना चल रहा है और इस टाइम पर इसको भी अभी ख़राब होना था ना। बोलते हैं ना मुसीबत कहकर नहीं आती, और जब मुसीबत एक आती है ना दूसरी अपने आप चली आती है। तो चलिए कोई नहीं, अभी मुझे कपड़े वगैरह धोने हैं। और देखिए अनुष्का के टैडी कहाँ पर सोए हुए हैं, है ना, देखिए सारी रात इस पर बैठा के रखे हैं इसने, और अब सुबह से इसने अपने टैडी सुला रखे हैं। और लाइट अभी नहीं आ रही है, अब देख सकते हो पंखा चल रहा है लेकिन इन्वर्टर से नहीं। पंखा, अनुष्का पंखा क्यों बंद कर दिया? मैं तभी तो कह रही हूँ गर्मी सी कैसे लग रही है इतनी तेज, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अभी पहले कपड़े धो करके आऊँगी, उसके बाद देखती हूँ चाय वगैरह बनाऊँगी। वैसे ना ताज़ा दूध की ही चाय बनाऊँगी, जब नीचे से दूध का मतलब निकाल कर ले आऊँगी। और अभी तो बस मुझे यही काम करना है और उसके बाद फिर आगे का काम चलेगा। और कपड़े भी ना आज काफ़ी सारे हो रहे हैं, काफ़ी सारे कपड़े हैं तो धोने हैं। अभी चलते हैं अभी। और अनुष्का भी इधर लेटी हुई थी, दूसरी तरफ चली गई है रूम में, और इसका ना इसकी खिड़की खुली हुई है तो सामने से आपको कूलर दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, है ना, और पर्दे भी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, करते हैं काम, बने रहिए वीडियो में। और टाइम देखिए 4 बजने में 10 मिनट ही रही हैं, 10 से भी कम हैं। और तो चलिए चलते हैं, पहले काम कर लेते हैं उसके बाद फिर आपसे बातें करेंगे। और लाइट इस कमरे की बंद कर देती हूँ, क्योंकि ना अभी इस कमरे में कोई काम भी नहीं है तो इस वजह से लाइट बंद कर दी है। चलिए चलते हैं।
तो यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह धोने के बाद आ गई हूँ नीचे, और यहाँ पर निकाल रही हूँ भैंस का दूध, क्योंकि टाइम हो रहा है। कम से कम इस टाइम 5 बज रहे होंगे, मेरे अंदाज से 5 होंगे, कम ज़्यादा हो सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि जब मैं नीचे आई थी दूध निकालने के लिए तो घड़ी नहीं देखी थी। वैसे ना कुछ अंदाजा सा हो जाता है हम सभी को, तो मैं यहाँ पर भैंस का दूध निकालने लगी, और भैंस ना दूध देने से मना कर रही थी, तो वो भाग रही थी, तो मैंने यहाँ पर डंडी ली और फिर बैठ गई नीचे। और इधर देखिए, ये भैंस का बेबी खुल करके भाग गया था, तो मुझे उठ करके भागना पड़ा, क्योंकि ना इसको पकड़ के बांधना था। इधर फ़ोन रखा हुआ था जिससे वीडियो बन रही थी, मैंने कहा कभी इसमें ही कुछ मार दे और इसको डाल दे तो। और वैसे भी ना फिर भैंस भागती कि कहाँ जा रहा है, इसलिए तो मैंने पहले इसको उठ करके बांधा, और फिर दोबारा से इधर गई हूँ मतलब दूध निकालने के लिए, और बैठ गई हूँ। पहले तो भैंस ही मना कर रही थी मिलने से, फिर ज़बरदस्ती की तो बेबी मतलब खुल के भाग लिया, और फिर मैं दोबारा से आ गई हूँ यहाँ पर दूध निकालने के लिए। और ये एक टाइम ही दूध मतलब देती है हमारी भैंस, इसका बेबी नहीं रहा है जब से, तो ना जल्दी ही मिल जाती है, ऐसा नहीं है, पर ये करती है ऐसा, उठाती है पैर को बार बार, तो छोड़ते नहीं है, फिर मिल जाती है मतलब दे देती है दूध। तो मैं यहाँ पर लग गई, और अभी ना लाइट नहीं आई है, वरना पहले मैं इनको नहलाती, पानी पिलाती, उसके बाद दूध निकालती, पर क्या करूँ लाइट आई नहीं है, तो मैंने सोचा चलो पहले दूध निकाले लेते हैं, उसके बाद फिर लाइट आ जाएगी तो इनको नहला देंगे और पानी पिला देंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर वो वाला काम कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और अब भी ना ये दोनों बेबी आपस में लड़े ही जा रहे हैं, तो मुझे इनका भी ध्यान रखना पड़ रहा था, कभी ये ना ऐसा करें कि लड़ते रहें और भैंस को मतलब दूध ना देने दें, फिर भैंस भी सोचेगी पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बार बार। देखो अब देखो, आप देख सकते हो, है ना, बिल्कुल भी ये मतलब मान नहीं रहे हैं, या तो इन्हें प्यास लग रही है क्योंकि लाइट नहीं आई है। इस टाइम तक मैं पानी पिला देती, तो मुझे लगता है ये पानी पीने के लिए कर रहे हैं। अगर लाइट नहीं आएगी ना तो पानी भरा हुआ रखा है, मैं उसमें से पिला दूँगी, पर ना सोच रही थी, मैंने कहा ताज़ा पानी ही पिलाऊँ, क्योंकि वो ना सुबह का रखा हुआ है तो थोड़ा गर्म गर्म सा हो जाता है, तो गर्मी तो है ही, तो इसलिए मैंने कहा चलो ठंडा ही पानी पिलाएंगे। लेकिन इनको तो बिल्कुल भी तसल्ली नहीं हो रही थी, और यहाँ पर ना इसी दूध को ना, जैसे कि आज दूध शाम को देगी भैंस, तो ना कल शाम तक हमको यही चलाना होता है, क्योंकि ना डेयरी वगैरह का दूध अच्छा नहीं लगता है इसलिए ना। और वैसे भी हमारे लिए तो काफ़ी रहता है, हमारी फैमिली के लिए, तो यहाँ पर लगभग दूध निकल ही चुका है, और इस टाइम लाइट भी आ गई थी। तो मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए, मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।